हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ प्रतीक एंड वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे बिरयानी वाला बेसिक और टेस्टी रायता। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो पहले हमने ले लिया है एक प्याज, एक हरी मिर्च और एक टमाटर। प्याज हमने सबसे छोटा वाला साइज ले लिया है और हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते और टमाटर हमने यहाँ मीडियम साइज का लिया है और टमाटर को हम बीज निकाल कर काटेंगे। मैं आपको काट के दिखाता हूँ। तो पहले हम टमाटर नीचे से इस तरह काट लेंगे और फिर इसे चार हिस्सों में काट देंगे। तो हमने टमाटर को चार हिस्सों में काट लिया है। अब हमें इस तरह से इसका बीज निकाल लेना है। हम बीज के साथ साथ वो हिस्सा भी निकाल रहे हैं जिसमें टमाटर का रस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमें रायता में इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम बीज वाले हिस्सों को हटा देंगे, लेकिन हमें इसे फेंकना नहीं है, हम इसे कोई और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी तरह सभी का बीज निकाल लेंगे और बीज निकालने के बाद हम इसे एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। आप इसे जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काटें। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना बारीक काटा है। फिर टमाटर को काटने के बाद हम प्याज और हरी मिर्च को भी एकदम बारीक काट लेंगे और इन्हें भी हमें एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बारीक काट लेना है। फिर ये तीनों को काटने के बाद हम ले लेंगे 200 ग्राम दही। हमने यहाँ पैकेट वाला दही यूज़ किया है। आप चाहे तो घर में बना हुआ दही का भी यूज़ कर सकते, बस दही थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसमें कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियाँ डालने के बाद इन्हें हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे और सब्जियों के बाद हमें इसमें बाकी चीज़ भी मिला लेना है। तो पहले हमने ले लिया है आधा छोटा चम्मच काला नमक। इसका टेस्ट काफ़ी ही अच्छा होता है, तो हम इसे सादे नमक से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। और काला नमक के बाद हम इसमें मिला लेंगे दो चुटकी लाल मिर्च पाउडर। लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसे ना डालें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हमें आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो पूरा टेस्ट ख़राब कर देता है। फिर आखिर में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने इसमें काला नमक भी डाला है तो हम नमक उसी हिसाब से डालेंगे। फिर हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे। तो हमारा सिंपल एंड ईजी रायता हो गया तैयार। अब आप इसे बिरयानी या फिर पुलाव के साथ सर्व कर ले। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।